नमस्ते। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑटो साइकिल। व्हाट इज ऑटो साइकिल? दिस साइकिल वॉज इन्वेंटेड बाई डॉक्टर निकोलस अगस्त ऑटो, ए जर्मन इंजीनियर, इन ईयर 1867। ऑटो साइकिल का इन्वेंशन डॉक्टर निकोलस अगस्त ऑटो एक जर्मन इंजीनियर द्वारा 1867 में किया गया था। ऑटो साइकिल इज ए गैस पावर साइकिल दैट इज यूज इन स्पार्क इग्निशन इंटरनल कम्बशन इंजिन। यह एक गैस पावर साइकिल है जो स्पार्क इग्निशन कम्बशन इंजिन, जो आजकल के पेट्रोल इंजन है, उसमें यूज होता है। एन ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेसेस। ऑटो साइकिल है वो 4 प्रक्रियाओं में पूरा होता है। 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है और 2 आइसोचोरिक, यानी 2 इसमें रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होती है और 2 कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है। आप अगर ये पीवी चार्ट और इसका टीएस चार्ट ऑटो साइकिल का समझोगे तो आपको सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब अपन इसका पीवी डायग्राम आपको बताते हैं। तो ये ऑटो साइकिल है, इसको पीवी डायग्राम पे ड्रॉ करने के लिए आप देखो, इसका सिंपल फर्स्ट प्रोसेस है 1 to 2, दिस इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 to 3, दिस इज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। 3 to 4, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। 4 to 1, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। द ऑटो साइकिल इज एग्जीक्यूटेड इन ए क्लोज सिस्टम एंड द वर्किंग फ्लूड इज एयर अकॉर्डिंग टू एयर स्टैंडर्ड एजम्पशन। ऑटो साइकिल है वो क्लोज सिस्टम में होता है और इसका वर्किंग फ्लूड अपन कैलकुलेशन में एयर एज्यूम करते हैं। ये जो ऑटो साइकिल है इसको आप पीवी और टीएस डायग्राम पे पुनः अच्छी तरह से समझ लें। जो 1 से 2 है प्रोसेस, फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। ये प्रोसेस 1 से 2 है। ये आपका जो पिस्टन है, ये पिस्टन 1 से 2, यानी ये मेरा क्रसर दिख रहा है, वहां से यहां तक आता है, तब ये प्रोसेस पूरी होती है। यानी आपका बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे पिस्टन आता है, इसके अंदर जो चार्ज है वो कंप्रेस हो जाता है। ये जो एक से दो तक ये पिस्टन आ रहा है, तो इसमें अपन का है वर्क अपन को देना पड़ेगा सिस्टम को, तो डब्ल्यू इन हो जाएगा। ये प्रोसेस पीवी चार्ट पे 1 से 2 ये हैं और ये प्रोसेस टीएस चार्ट पे आपके 1 से 2 इस तरह से दिख रही है, क्योंकि इस प्रोसेस की एंट्रोपी कांस्टेंट है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन यूं दिखेगी। 2 से 3, जब आपका सिलेंडर के अंदर ये कंप्रेस हो जाता है, तो 2 से 3 में क्यू इन, यानी आपकी हीट एडिशन होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो ये जो पेट्रोल इंजन है या ऑटो साइकिल है, इसमें जो पेट्रोल इंजन है, इसमें जो हीट एडिशन होती है, यानी कि जब आपका कंप्रेशन हो जाता है, तो एंड ऑफ कंप्रेशन इसमें स्पार्किंग हो जाती है, तो ये जो फ्यूल है वो जल जाता है। तो इस फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और इसका प्रेशर राइज हो जाता है। तो स्पार्किंग होने के बाद इसमें जो हीट एडिशन होती है, तो इसकी जो प्रेशर है इसका 2 से 3 बढ़ जाता है और इसको टीएस चार्ट पे ये प्रोसेस हो जाएगी 2 to 3। अब आप इसी प्रोसेस पे ये 2 to 3 हो जाएगी, इसका प्रेशर राइज हो जाएगा। अब आप तीसरी जो प्रोसेस है वो है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, यानी ये इसमें जो यहां पे इसका जो चार्ज है, इसका प्रेशर बहुत बढ़ गया, तो इस प्रेशर के कारण ये पिस्टन को वापस धक्का देगा, तो ये पिस्टन वापस टीडीसी से बीडीसी आएगा। उस समय ये प्रोसेस इस समय ये प्रोसेस 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा, 3 से 4, तो इसमें आपको वर्क मिलेगा, ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो जाएगा और टीएस चार्ट पे ये प्रोसेस 3 से 4 हो जाएगी। अब आपकी जो लास्ट प्रोसेस है वो है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो यूज्ड चार्ज है आपका वॉल्यूम फिक्स है, आपका यूज्ड जो इसमें चार्ज है वो बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह फ्रेश चार्ज आ जाएगा। तो ये है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो
दिस प्रोसेस 4:1 इज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन एंड इस प्रोसेस को TS चार्ट पे आप इस तरह से शो करेंगे। तो आप 1:2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2:3 कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 3:4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 4:1 कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो ये दोनों चार्ट PV डायग्राम और TS डायग्राम पे आप देख लो, ये कि आपका 1 से 2 प्रोसेस में अपन वर्क इन होता है, 2 से 3 में आपकी हीट इन आपकी जो हीट एडिशन होता है, 3 से 4 में वर्क आउट होता है, 4 से 1 में आपकी हीट रिजेक्शन। ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन का BDC टू TDC जो अपन मूव होता है, इसको कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। इसके पिस्टन का इस पॉइंट यानी BDC से TDC के बीच का वॉल्यूम है वह स्वेप्ट वॉल्यूम है, और जो वॉल्यूम जिसमें पिस्टन नहीं चलता आगे कंप्रेस होता है उसको कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, और कंप्रेशन रेशियो इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई क्लियरेंस वॉल्यूम। इसके जो सेलियंट फीचर्स है, इन द ऑटो साइकिल हीट एडिशन टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो ऑटो साइकिल में जो हीट एडिशन है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होती है। एट द टाइम ऑफ हीट एडिशन द पिस्टन इज एट द टॉप डेड सेंटर। हीट एडिशन के टाइम या स्पार्किंग के टाइम पिस्टन की पोजिशन TDC पर होती है। ऑटो साइकिल हैज कंप्रेशन रेशियो फ्रॉम 7:1 to 10:1 विच इज लेसर देन डेट ऑफ डीजल साइकिल। ऑटो साइकिल का जो कंप्रेशन रेशियो है वो 7:1 to 10:1 होता है, डीजल इंजन का ज़्यादा होता है। इट हैज कंपेरेटिवली हायर थर्मल एफिशिएंसी। इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी वो हायर होती है। इसमें स्पार्क प्लग का यूज़ किया जाता है फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए, जो चार्ज होता है एयर और फ्यूल को उसको इग्नाइट करने के लिए स्पार्क प्लग यूज करते हैं। द चार्ज इज ड्रॉन इन बाई सिलेंडर ड्यूरिंग इनटेक स्ट्रोक। ओवरऑल एफिशिएंसी इज लेसर देन डीजल साइकिल। ड्यूरिंग द बैकवर्ड स्ट्रोक ऑफ पिस्टन कंप्लीट एडियाबेटिक एक्सपेंशन टेक्स प्लेस एज इट इज प्रेटी एविडेंट बाई नाउ डेट ऑटो साइकिल आर यूज इन पेट्रोल और स्पार्क इंजिन। सो ऑटो साइकिल्स आर वर्किंग इन ऑल 4-stroke and 2-stroke पेट्रोल इंजिन रनिंग ऑन रोड। अपन देखते हैं कि आजकल जो सड़क पे चल रहे हैं 2-stroke और 4-stroke के सारे जो पेट्रोल इंजन है वो सारे ऑटो साइकिल के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। आप यहां पे देख रहे हो, ये है इसका स्वेप्ट वॉल्यूम VS और ये है इसका क्लियरेंस वॉल्यूम VC। तो आप देखोगे V2 = V3 और V1 = V4। ये PV चार्ट है, ये TS डायग्राम है। P = प्रेशर, V = वॉल्यूम, T = टेम्परेचर, S = एंट्रोपी, VC क्लियरेंस वॉल्यूम और VS है इसका। तो आप लोगों ने ये चीज देख ली। अब अपन क्या करते हैं, इसकी कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, इसकी थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। थर्मल एफिशिएंसी को एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी भी कहते हैं। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी क्या होती है, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। तो इस जो ऑटो साइकिल है इसमें हीट सप्लाइड क्या हो जाएगी, आप इस साइकिल में देख रहे हो अपन हीट सप्लाइड 2 से 3 प्रोसेस में करते हैं, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन क्या होता है, MCV × T3 - T2। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो जाएगा MCV × T3 - T2, जिसमें M है मास, CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी तरह से हीट रिजेक्शन 4:1 प्रोसेस में होता है। इस प्रोसेस में 4:1 प्रोसेस में हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो ये हो जाएगा MCV T4 - T1। हीट रिजेक्शन = MCV T4 - T1। तो थर्मल एफिशिएंसी हो जाएगी हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड MCV T3 - T2, हीट रिजेक्टेड MCV T4 - T1 डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड MCV T3 - T2। MCV कट जाएगा तो ये बच जाएगा आपके 1 - T4 - T1 / T3 - T2। ये हो जाएगी इसकी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इस साइकिल की। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑटो साइकिल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।